दिवाली बहुत ही करीब है। दिवाली की फेमस मिठाई काजू कतली लग रही है ना, यम्मी डिलीशियस और टेस्टी। बस ये कुछ ही मिनटों में बनके रेडी हो जाती है कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ लिया है 150 ग्राम काजू, 100 ग्राम पिसी हुई चीनी। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम बनाएंगे काजू का पाउडर। इसके लिए मैंने यहाँ ले लिया है एक मिक्सर जार। इसके अंदर हम काजू ऐड कर देंगे। पाउडर बनाने के लिए हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। काजू पाउडर रेडी हो गया है। इसे हम एक बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। आप काजू के पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है। कढ़ाई में हम ऐड करेंगे शुगर पाउडर। हमने यहाँ पे 100 ग्राम पाउडर शुगर का इस्तेमाल किया है। 100 ग्राम पाउडर शुगर में हम 100 ml पानी ऐड करेंगे। शुगर सिरप को लगभग 5 मिनट तक मीडियम आंच पे बॉईल करेंगे। 5 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं शुगर सिरप जो है वो चाशनी में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे हमें 2 तार की चाशनी चाहिए। यहाँ पे मैंने काजू पाउडर को चाशनी में ऐड कर लिया है। इसको लगातार चलाते हुए बहुत स्लो फ्लेम पे हमें लगभग 5 मिनट के लिए पकाना है। आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली स्टर करते हुए आपको लगभग 5 मिनट के लिए इसे पकाना है। तब तक पकाना है जब तक इसका पानी बिल्कुल सूख ना जाए। लगभग 3-4 मिनट तक लगातार पकाते हुए आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेंटर में आ गया है। अब हमें गैस की नौब बंद कर देनी है और इसके बाद इस काजू मिक्स के अंदर 2 चम्मच घी ऐड करेंगे, जिससे इसमें एक स्मूथनेस और शाइनिंग ऐड हो जाए। उसके बाद एक प्लेट में इसे काजू कतली बनने के लिए रेडी है या नहीं ये चेक करने के लिए हम थोड़ा सा पेस्ट अपने फिंगर्स पे लेंगे, उसको रोल करेंगे और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्मूथली निकल गया, बिल्कुल भी फिंगर में नहीं चिपका। इसका मतलब है कि ये पेस्ट जो है वो काजू कतली बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद एक डो के फॉर्म में इसको प्रिपेयर करेंगे। काजू और चाशनी का जो हमने मिक्स तैयार किया था ये देखिए, इसको अच्छे से हाथों से गूंथ कर आपको बिल्कुल डो का शेप देना है। बिल्कुल जैसे सॉफ्ट आटा होता है रोटियां बनाने के लिए, बिल्कुल इसी तरीके से इसे हमें रेडी करना है। नेक्स्ट प्रोसेस में एक स्मूथ सरफेस पे हम इस तरीके से ग्रीसिंग किया हुआ बटर पेपर रखेंगे। इसके ऊपर जो हमने मिक्स बनाया था काजू के पेस्ट का चाशनी के साथ, उसको रखेंगे। काजू के डो को हम फिंगर की सहायता से एक अच्छा सा शेप देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में इसके ऊपर हम एक दूसरा बटर पेपर ग्रीस किया हुआ लगा देंगे। इसे हम एक बेलन की सहायता से अच्छे से स्क्वायर शेप देते हुए बेल लेंगे। शेप देते समय आप ध्यान रखिएगा इसको हमें स्क्वायर शेप में ही अच्छे से आराम से धीरे धीरे बेलन को घुमाते हुए अच्छे से शेप देना है स्क्वायर शेप। यहाँ पे मैंने काजू कतली को एक शेप दे दिया है। इसकी थिकनेस मैंने मीडियम रखी है। आप काजू कतली की थिकनेस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप देख सकते हैं ना तो बहुत ज्यादा मोटी है ना ही बहुत ज्यादा पतली। एक नाइफ की सहायता से इसके साइड को हम काट के निकाल देंगे। काजू कतली को शेप देने के लिए सबसे पहले हम इसको लंबाई में काटेंगे। तो पहले मैं काट लेती हूँ। इस तरीके से इसे लंबाई में काट लेना है। मैंने यहाँ पे इसे काजू कतली के शेप में काट लिया है। हमारी काजू कतली बिल्कुल रेडी है। काजू कतली बनाते समय कुछ टिप्स और ट्रिक का ध्यान देना चाहिए। जब भी आपको काजू का बैटर जो है वो थोड़ा हार्ड सा लगे, आप उसमें 2 चम्मच घी ऐड कर लीजिए। उससे डो में एक स्मूथनेस ऐड हो जाती है और एक शाइनिंग भी आ जाती है। दूसरा, काजू कतली को काटने से पहले चारों तरफ से आपको एक स्क्वायर शेप देना है, ताकि आपकी जो काजू कतली की शेप्स हो वो बहुत सुंदर निकल के आए। तो ये देखिए हमारी परफेक्ट काजू कतली कटके तैयार हो गई है। अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने काजू कतली को ओरिजिनल काजू के साथ सर्व किया है। साथ ही मैंने कुछ गुलाब की पंखुड़ियां भी लगा दी है। गुलाब की पंखुड़ियां काजू कतली की खूबसूरती को वैसे ही बढ़ा देती है। काजू कतली बहुत ही यम्मी टेस्टी, घर पे बनाना बहुत ही इजी है।
बस कुछ सिंपल टिप्स और ट्रिक के साथ बहुत इजली आप इसे बहुत कम समय में बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू कतली के ऊपर चांदी का वर्क नहीं लगाया है, मैंने इसको ओरिजिनल ही रखा है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, उससे इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक काजू कतली तोड़ के दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कि कितने इजली टूट जाती है, ये देखिए। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।